गाजा में इजरायली फौज हमास के भीषण हमलों से त्राही त्राही चिल्ला रही है। गाजा का रफा और खान यूनिस शहर, ये दो ऐसे पॉइंट हैं जो इजरायली सेना के लिए कब्रिस्तान बने हुए हैं। इन दोनों ही इलाकों में आईडीएफ के पीछे हमास के लड़ाके कदम कदम पर मौत बनकर घूम रहे हैं, और इस बात की पुष्टि गाजा से आ रहे ये वीडियो कर रहे हैं, जिनमें साफ दिख रहा है कि गाजा के भीतर इजरायली सेना अब घुटनों के बल हांफ रही है। दरअसल अलकासिम ब्रिगेड और अलकुद्स ब्रिगेड ने खान यूनिस शहर में इजरायली सेना पर किए गए एक स्नाइपर ऑपरेशन का वीडियो रिलीज किया है, जिसमें आईडीएफ के कुछ जवान सामने की एक बिल्डिंग में पोजीशन लिए हुए दिख रहे हैं। लेकिन इन सैनिकों को नहीं पता होता कि उनके ऊपर हमास के लड़ाके मौत बनकर मंडरा रहे हैं, और इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि हमास के लड़ाके इस बिल्डिंग की खिड़कियों में तैनात आईडीएफ के जवानों पर स्नाइपर राइफल से एकाएक हमला कर देते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि हमास के कुछ लड़ाके मलबे के ढेर में छिपकर एक स्नाइपर राइफल से सामने की बिल्डिंग में तैनात आईडीएफ के जवानों पर फायरिंग कर देते हैं, जिसमें आईडीएफ का एक जवान एक झटके में नीचे गिरता हुआ दिखाई पड़ता है। और इस हमले के बाद पूर्वी खान यूनिस में अलकुद्स के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर एक बड़ा हमला कर देते हैं। अलकुद्स ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कुछ लड़ाके हाथों में बड़े बड़े रॉकेट लेकर झाड़ियों के बीच एक लॉन्चर में इन्हें फिट करते हैं, और इसके बाद ये लड़ाके इन रॉकेटों को दनादन फायर करने लगते हैं। वीडियो में चारों तरफ घनी हरियाली नजर आ रही है, और इस हमले के बाद वीडियो में आईडीएफ का एक हेलीकॉप्टर उस इलाके में उतरता हुआ दिखाई देता है, जहां पर अलकुद्स के लड़ाकों ने ये रॉकेट दागे थे। और इस हमले के बाद खान यूनिस के अलकरारा इलाके में अलकुद्स के लड़ाके आईडीएफ के रास्ते में बारूद बिछाकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं, और इस हमले के साथ साथ अलक्सा ब्रिगेड भी इजरायली सैनिकों पर एक हमला करती है। अलक्सा ब्रिगेड ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उसके लड़ाके एक लॉन्चर से ताबड़तोड़ तरीके से लगातार रॉकेट फायर करते हुए नजर आ रहे हैं। अलक्सा ब्रिगेड का ये भी दावा है कि उसने नेटजरी मैक्सिस में इजरायली सैनिकों के कमांड सेंटर पर हैवी कैलिबर मोर्टार गोले दागे हैं, और इन हमलों के अलावा पश्चिमी रफा के तलल सुल्तान इलाके में अलक्सा के लड़ाकों ने आईडीएफ के वाहनों पर आरपीजी 85 गोले दागे हैं।